इनके बैंक खाते में भी ट्रांसफर कर दिया गया है। बहुत ही बढ़िया एक्शन लिया गया है ये अधिकारियों के द्वारा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने ग्रीवेंस कब रजिस्टर किया था, 20/6 को किया था, और इनका सेटल कब हुआ, अप्रूव कब हुआ, 20/6 को ही हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि काफी लोगों के कमेंट होते हैं कि भैया मेरा तो 3-3, 4-4 बार मैंने ग्रीवेंस रजिस्टर कर दिया है, लेकिन ईपीएफओ के अधिकारी के द्वारा उसका सोल्यूशन नहीं किया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने अपने पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम खुद से किया है या फिर कहीं बाहर से करवाया है और अभी भी आपके बैंक खाते में आपका पैसा नहीं आया है, काफी दिनों से आपका क्लेम अंडर प्रोसेस देखने को मिल रहा है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने क्लेम को जल्दी सेटल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफओ के, देखिए ये वाला जो पोर्टल देखने को मिल रहा है ना, ईपीएफआई ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इस वाले पोर्टल पे एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी होती है, ग्रीवेंस रजिस्टर करना होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए रजिस्टर ग्रीवेंस। अब ग्रीवेंस रजिस्टर करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती है, आज के इस नए वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि काफी लोगों के कंप्लेंट आ रहे थे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था किस तरीके से आपको ग्रीवेंस रजिस्टर करना है, तो उसमें काफी लोगों ने कमेंट किया था, सर ये ग्रीवेंस तो हम रजिस्टर कर देंगे, लेकिन ग्रीवेंस रजिस्टर करने से कोई फायदा होता भी है या नहीं होता है, और अगर हम आज के डेट में ग्रीवेंस रजिस्टर करें तो कितने दिनों के अंदर में हमारा क्लेम सेटल हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस के आंसर आज के इस नए वीडियो में मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ देने का प्रयास करूंगा, पूरे लाइव प्रूफ के साथ देने का प्रयास करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद से, सबसे पहले मैं शुरू से आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों को ये पहली बार वेबसाइट पे आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको देखिए कोई सा ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है EPFIGMS। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं epfigms.gov.in, इस वाले वेबसाइट पे आपको चले जाना है। ये सारा काम आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन था, अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज करके आप यहाँ से उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे व्यू स्टेटस का ऑप्शन है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये पूरा फोरम ओपन होकर आ चुका है, व्यू स्टेटस फोरम। अब यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और उसके बाद से मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करना है। अब यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि ये जो भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करोगे ना, ये आपके यूएन पोर्टल पे लिंक है, वो ही वाला एंटर करना है। और उसके बाद से ये सिक्योरिटी कोड देखने को मिल रहा है, इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, नया वाला सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और सबमिट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स एंटर कर लिया है, उसके बाद से सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीवेंस का स्टेटस। अब इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमने एंटर किया था वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर ही आप मैच करा सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ रिसिप्ट, कब हमने ये ग्रीवेंस रजिस्टर किया था उसका पूरा डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है जो भी ये पर्सन है जिनका भी ये यूएन नंबर है उनका नाम देखने को मिल जाएगा, इम्प्लॉय का। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपको करेंट स्टेटस देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इनको क्लोजर रिक्वेस्ट आ गया है, क्लोजर प्रपोज देखने को मिल रहा है। अब इसमें फाइनल डिसीजन आपको क्या बताया गया है आप देख सकते हैं। देखिए इनके केस में बताया गया है कि इनको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इनका जो क्लेम है वो अप्रूव्ड कर दिया गया है और डेट भी बकायदा बताया गया है कि भैया इस डेट को किया गया है, और यहाँ तक कि अमाउंट भी बताया गया है कि आपका इतना अमाउंट सेटल कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे इनका जो अमाउंट है इनके बैंक खाते में भी ट्रांसफर कर दिया गया है। बहुत ही बढ़िया एक्शन लिया गया है ये अधिकारियों के द्वारा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने ग्रीवेंस कब रजिस्टर किया था, 20/6 को किया था, और इनका सेटल कब हुआ, अप्रूव कब हुआ, 20/6 को ही हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि काफी लोगों के कमेंट होते हैं कि भैया मेरा तो 3-3, 4-4 बार मैंने ग्रीवेंस रजिस्टर कर दिया है, लेकिन ईपीएफओ के अधिकारी के द्वारा उसका सोल्यूशन नहीं किया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ग्रीवेंस आप रजिस्टर कर रहे हैं तो पीएफ से रिलेटेड काफी सारी समस्याएं आपके पास हो सकती हैं, और सभी समस्याओं के लिए अलग अलग कैटेगरी ईपीएफओ के अधिकारियों ने बनाया है। जब आप ग्रीवेंस रजिस्टर करते हैं तो वहीं पे ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी किसी भी तरीके की कंप्लेंट के लिए कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए, ऑप्शन पे आपको विशेष ध्यान रखना है, ऑप्शन आपको बिल्कुल सही सेलेक्ट करना है। अब मैक्सिमम लोग ऑप्शन सेलेक्ट तो सही कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत कहां से आती है, जब
जब आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है ना कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो आपको अपने हिसाब से लिखना होता है। तो अब यहाँ पे काफी लोग गलती कर देते हैं। भैया आपको करना क्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना वो अच्छे तरीके से लिखना है, टॉप लेवल का लिखना है, जिससे कि ईपीएफओ के अधिकारी को समझ जाए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और उसके हिसाब से ईपीएफओ के अधिकारियों के द्वारा आपका सोल्यूशन किया जाए। और काफी लोग यहाँ पे गलती करते हैं, मतलब अपनी जो प्रॉब्लम है वो सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं, और इस वजह से उनका जो क्लेम है यहाँ पे ग्रीवेंस है वो भी पेंडिंग रहता है, और अधिकारी भी यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आपका जो सोल्यूशन है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। हालांकि अगर आपको जानना है कि किस टाइप की आपकी प्रॉब्लम है और उसके लिए आपको क्या ग्रीवेंस रजिस्टर करना चाहिए, मैटर क्या लिखना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना चाहिए, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी मैटर करता है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना चाहिए, सभी के ऊपर स्टेप बाय स्टेप हमने डिटेल वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। अगर आप पूरा वीडियो देखने के बाद ईमानदारी से देखते हैं वीडियोज को, सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो भैया आपकी भी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ईपीएफओ के द्वारा सॉल्व कर दी जाएगी। हालांकि इनकी तो एक दिन में सॉल्व कर दी गई है, आप देख सकते हैं इन्होंने आज एक दिन में 20 तारीख को ग्रीवेंस रजिस्टर किया है, और ईपीएफ के अधिकारी बहुत ही बढ़िया है भैया, सेम डे को उन्होंने देख लिया। भैया अब देखेंगे तो ही तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो इन्होंने सेम डे को देख लिया और सेम डे को इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करवा दिया, क्योंकि अधिकारी को समझ में आ गया कि भाई ये जो इम्प्लॉई है इसको इसकी एक्चुअल दिक्कत क्या है, तो उसका सोल्यूशन भी कर दिया, और सेम डे में इनका पैसा भी भेज दिया इनके बैंक खाते में, अब एक दो दिन में जुड़ भी जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा, इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आप काफी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।